भारत के अरब पति गौतम अडानी की मुसीबतें फिर बढ़ सकती है क्योंकि अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इनकी SEC ने अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। इस मामले में अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कोविनस के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 20 नवंबर को इन व्यक्तियों पर सिक्योरिटीज और वायर धोखाधड़ी करने के साजिश रचने और सब्सटेंटिव सिक्योरिटीज धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इन आरोपों का संबंध $1 अरब की योजना से है। आरोप है कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से गलत और भ्रामक बयान देकर धन जुटाया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने आरोप लगाया कि यह रिश्वत देने की योजना अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को भारत सरकार द्वारा दिए गए $1 अरब के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का लाभ उठाने के लिए बनाई गई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की शिकायत में कहा गया कि ये लोग फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के एंटी फ्रॉड प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बयान के मुताबिक इस योजना के दौरान अडानी ग्रीन ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स से $175 मिलियन यानी करीब 1,450 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। एज्योर पावर का शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा था। न्यूयॉर्क के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने गौतम अडानी, सागर अडानी, कोविनस और अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से जुड़े कई अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप भी दायर किए हैं। इन आरोपों में विदेशी भ्रष्टाचार प्रथाएं अधिनियम यानी कि FCPA का उल्लंघन करते हुए रिश्वत देने की साजिश शामिल है। न्यूयॉर्क ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से कई सारे ट्वीट्स भी किए गए हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि 2020 और 2024 के बीच अडानी और उसके सहयोगियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि करीब 20 अरब से भी ज्यादा रुपए रिश्वत के रूप में दिए। रिश्वत देने का मकसद सौर ऊर्जा परियोजनाओं को हासिल करना था। इससे अगले 20 सालों में $2 अरब से ज्यादा का लाभ होने की संभावना है। अडानी और उनके सहयोगियों पर इन्वेस्टर्स को धोखा देने का आरोप है। इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने जांच में रुकावट डालने की कोशिश की। FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर जेम्स डेनही ने कहा है कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि यह मामला अब अमेरिका में एक बड़े कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला बन गया है। इसमें भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी इन्वेस्टर्स को धोखा देने के आरोप लगे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप और गौतम अडानी की मुसीबतें बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।